ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस क्या है ट्रायल बैलेंस यानी तलपट एक स्टेटमेंट है लेजर खाता क्या बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस का दो उद्देश्य है एक अकाउंट्स की एंट्री पोस्टिंग सही है या नहीं इसकी पुष्टि करने के लिए और दो ट्रायल बैलेंस के आंकड़े से प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रस्तुत करना ट्रायल बैलेंस समझने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स समझें पोस्टिंग इन लेजर मैनुअल सिस्टम में हम पहले डे बुक्स यानी जर्नल कैश बैंक बुक सेल परचेज जैसे प्राइमरी बुक से लेजर पोस्टिंग करते हैं टैली अपने आप डे बुक से लेजर में पोस्ट करते हैं कोई पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं कैरी फॉरवर्ड ऑफ ओपनिंग बैलेंस मैनुअल सिस्टम में सबसे पहले पिछले वित्तीय वर्ष के बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस चालू वित्तीय वर्ष के ओपनिंग बैलेंस में पोस्ट करते हैं टैली में पहला वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष का लेजर अकाउंट का, का क्लोजिंग बैलेंस वर्तमान वित्तीय वर्ष के लेजर बुक के ओपनिंग बैलेंस में एंट्री करना होगा टैली में बाद के वर्षों में पिछले वित्तीय वर्ष के क्लोजिंग बैलेंस वर्तमान वित्तीय वर्ष में कैरी किया जा सकता है एंट्री करने की जरूरत नहीं पोस्टिंग ऑफ करंट ईयर ट्रांजैक्शन मैनुअल सिस्टम में वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी डे बुक्स यानी जर्नल कैश बैंक बुक सेल परचेज बुक से लेजर बुक में पोस्टिंग होती है टैली में पोस्टिंग ऑटोमेटिक होती है पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट मैनुअल सिस्टम में हर लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट कॉलम के टोटल कर लेजर अकाउंट के नेट डेबिट या क्रेडिट बैलेंस लिखा जाता है कंप्यूटर सिस्टम में डेबिट क्रेडिट टोटल और क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है टोटल करने की या बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं कैरिंग ऑफ क्लोजिंग बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस मैनुअल सिस्टम में ट्रायल बैलेंस में अकाउंट लेजर का नाम और डेबिट क्रेडिट कॉलम में लेजर के क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है टैली में ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट में लेजर क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिक डिस्प्ले होता है क्लोजिंग बैलेंस लिखने की ज़रूरत नहीं टैलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस मैनुअल सिस्टम में ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल किया जाता है सब कुछ से सही होने से ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होगा अगर अंतर है तो कहीं ना कहीं कोई गलती है जिसे चेक कर सही करना है टैली में ट्रायल बैलेंस की टोटल ऑटोमेटिक होती है टोटल करने की जरूरत नहीं टैली में पहला वित्त वर्ष में ओपनिंग बैलेंस लेजर अकाउंट में एंट्री होती है ओपनिंग बैलेंस एंट्री में गलती होने से पहला वित्तीय वर्ष में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा बाद के वित्तीय वर्ष में ओपनिंग बैलेंस पिछले वित्तीय वर्ष के क्लोजिंग बैलेंस से कैरी होता है वर्तमान वित्तीय वर्ष के हर भावचर के डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर रहता है इसलिए ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर होगा टैली में ओपनिंग बैलेंस एंट्री में मिस्टेक होने से ट्रायल बैलेंस डिफरेंस शो करेगा अब ओपनिंग बैलेंस चेक करें और गलती सुधारें मैनुअल सिस्टम में ट्रायल बैलेंस टैली होना अकाउंटेंट के लिए बड़ी राहत है अगर काफ़ी ट्रांजैक्शन है तो कहीं ना कहीं एंट्री पोस्टिंग कास्टिंग टोटलिंग बैलेंसिंग जैसे काम में कोई ना कोई गलती अक्सर रह जाती है बड़े खातों की जांच कर गलती का पता लोकेट करना आसान नहीं छुपी हुई गलती से अकाउंटेंट को कभी कभी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है कंप्यूटर सिस्टम में वाउचर एंट्री के बाद ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा और कुछ काम करना है ही नहीं ट्रायल बैलेंस इन टेलीप्राइम इसका मतलब टैली में वाउचर एंट्री के बाद सीधा ट्रायल बैलेंस डिस्प्ले या प्रिंट कर सकते हैं अब हम आपको ट्रायल टैली प्राइम में ट्रायल बैलेंस कैसे डिस्प्ले करें ट्रायल बैलेंस के कंटेंट और फॉर्मेट अपने अनुसार कैसे सेट करें, ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिंटर में प्रिंट करें इन सभी पहलू के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे टैली में ट्रायल बैलेंस डिफरेंस होने पर कैसे चेक करें, कैसे ओपनिंग बैलेंस प्रिंट करें, कैसे गलती तुरंत लोकेट करें और रेक्टिफाई करें, इसका तरीका भी जाने अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलते रहे डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर देखें वीडियो शेयर करना ना भूले कमेंट और आपके क्वेरीज जरूर लिखे हम रिप्लाई देंगे वीडियो को अंत तक देखें ट्रायल बैलेंस लेजर अकाउंट का कॉन्सोलेटेड अकाउंट समरी स्टेटमेंट है इसमें अकाउंट ग्रुप और लेजर अकाउंट का ट्रांजैक्शन टोटल्स और बैलेंसेस डिस्प्ले होता है ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स का डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होगा ट्रायल बैलेंस टैली होने पर हम अकाउंट्स के एरिथमेटिक एक्यूरेसी यानी कास्टिंग पोस्टिंग टोटलिंग और बैलेंस की सतियाता सिद्ध होती है ट्रायल बैलेंस के नॉमिनल अकाउंट के फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स के फिगर बैलेंस शीट में कैरी होते हैं